multiplication of two integers of two types. First, both integer are of positive and negative, and second type is both integer are negative integers. So in today we are going to see about this general form of that multiplication, and also going to see about three integers multiplication. So first, general form of multiplication of positive and negative integer. So हमारे पास एक जो integer है उसको हम अगर ले ले तो उसको हम a ले, फिर दूसरा integer है उसको हम b ले, और ये दोनों का multiplication करें. अब क्या करना है कि multiplication of a positive and a negative integer. एक जो multiplication होगा वो positive integer होगा, दूसरा होगा negative integer. तो ये दोनों का अगर हम multiplication करें, और तो हम लोग क्या ले सकते हैं, minus a into minus b. तो जो solution आता है ये जो है दोनों उसका हम अगर multiplication करें, sorry, one is negative and other is positive, so ये जो दोनों integers है उसका हम multiplication करें तो क्या आता है, minus a into b. तो अगर एक positive integer है and एक negative integer है तो उसका जो multiplication करें तो उसका जो general form होता है वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, a into minus b, positive negative, और negative positive, minus a multiplied with b, or the product of minus a and b. So final answer is minus a into b. अब चलते हैं अपने next example. So multiplication of two negative integers. जो दोनों integers हैं वो दोनों के दोनों integers हो गए negative. So क्या करेंगे हम लोग, minus a into minus b. यहाँ पे हम लोग multiplication जो दो integers का ले रहे हैं, तो एक integers में यहाँ a ले लेती हूँ और दूसरा जो integer है उसको b ले लेती हूँ. तो ये जो दोनों integers हैं minus a and minus b, उसका हम multiplication करें या तो फिर minus a and minus sorry minus b and minus a, ये दोनों का multiplication करें तो हमारे पास जो answer आएगा वो positive होगा. तो ये जो दोनों है वो general form है, जो दो दो integers हैं, two integers हैं, उसका हम अगर multiplication करें, अगर product करें, तो जो final answer आएगा, उसका जो general form है, वो हम ऐसे लिख सकते हैं. फिर चलते हैं multiplication of three or more negative integers. जो negative integers हैं, वो तीन हो या तो फिर तीन से ज़्यादा हो, उसका हम multiplication करें, तो वो multiplication हम लोग कैसे करेंगे? तो multiplication के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल रखे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे. सो फर्स्ट इज माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू. तो ये जो तीनों इंटीजर से इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हम क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंट के लिए ना ब्रैकेट ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट. तो मैं क्या करती हूँ, ये जो इंटीजर है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. पहला हमारा ये माइनस फोर इंटू माइनस थ्री, तो ये वो अपना एक पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. फिर बीच में जो साइन है वो हम मल्टीप्लीकेशन का, तो वो हम वैसे वैसा मल्टीप्लीकेशन का साइन रखेंगे. फिर है माइनस टू, तो इसका हम माइनस टू वैसे का वैसा ही आया. अब क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट में जो इंटीजर्स है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो इंटीजर्स है उसका पहले मल्टीप्लीकेशन करें, तो माइनस फोर इंटू माइनस थ्री. सो क्या आएगा हमारे पास, a into b, मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा. सो 12 आएगा, 4 3s आर 12, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट और मल्टीप्लाई विद माइनस टू. सो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास दो डिजिट है, सॉरी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट a एंड माइनस b. सो अगेन जनरल फॉर्म क्या हो सकते हैं, a and minus b. तो उसका आंसर क्या आएगा, minus a into b. यहाँ पे इसको हम a ले ले, इसको हम b ले ले, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें, सो 12 आर 24, और साइन कौन सी आएगी, minus a into b, सो minus 24. तो अगर हम तीन इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. फिर हमारे पास है फोर इंटीजर्स, तो उसका भी हम ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में
फिर क्या करेंगे माइनस फोर इंटू माइनस फाइव सो ट्वेंटी इंटू टू इंटू वन सो टू सो फोर्टीन ट्वेंटी टू आर फोर्टीन तो ये होगा अपना फाइनल आंसर. फिर चलते हैं हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर. तो उसमें क्या है हम लोगों ने मैंने पांच इंटीजर्स लिए हैं. अब इसको भी अगेन हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में डिवीजन कर देंगे. सो फर्स्ट टू इंटीजर्स इन वन स्क्वायर ब्रैकेट देन सेकंड टू इन वन स्क्वायर ब्रैकेट एंड द लास्ट वन इज इन राउंड ब्रैकेट. सो माइनस फाइव इंटू माइनस एट इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया. फिर माइनस सेवन इंटू माइनस वन इसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया और लास्ट जो बनता है उसको मैं राउंड ब्रैकेट में ही रहने दी. फिर क्या करेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. तो सिंप्लीफिकेशन मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका हम मल्टीप्लीकेशन करें. सो ए इंटू बी माइनस फाइव इंटू माइनस एट तो आंसर आएगा ए इंटू बी सिंपल मल्टीप्लीकेशन. सो फाइव एट आर एट आर फोर्टीन मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 माइनस 7 इंटू माइनस 1 सो अगेन माइनस ए इंटू माइनस बी सो 7 वन्स आर 7 एंड साइन माइनस माइनस प्लस सो प्लस 7 इंटू हियर इज माइनस 2 सो हाउ मच इट इज 47 आर 280 मल्टीप्लाई विद माइनस 2 सो द फाइनल आंसर इज 560. Here A is positive, D is negative, so minus sign is here. So the final